भाई यहाँ पे भी टोल लिया करते हैं बाइक का। भाई जो एक्सपीरियंस राइडर हो वो ही यहाँ पर आए, बाकी रिस्क हो सकता है बहुत ज़्यादा। आराम से हो जाता है भाई। भाई भाई बाइक गिर गई है मेरी, बहुत ही बुरी। भाई ट्रक का क्या हाल हुआ है देखो। सो हेलो गाइज, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। भाई आज हल्देश्वर महादेव की राइड करने वाले हैं, चलो फिर करते हैं राइड स्टार्ट महादेव का नाम लेके, हर हर महादेव। और हमारे साथी चल रहे हैं जो कि आगे वेट कर रहे हैं हमारा। भाई ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं हम, बाइक की कीज़ गुम हो गई थी, मिल ही नहीं रही थी, उस वजह से बहुत लेट हो गया है। क्या मिल चुके हैं साथी हमारे, चले चलो। चलो भाई निकल लेते हैं यहाँ से। नाइट राइड में भाई उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी नहीं है, क्यों वो आर1 है। आर1 में क्या है कि प्रोजेक्टर लग रखा है, में भी प्रोजेक्टर लग रहा है, इसलिए राइड की हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आ चुका है, चलो फिर यहाँ से। भाई यहाँ पे भी टोल लिया करते हैं बाइक का, बट हमसे नहीं ले रहे हैं क्यों, हम घर पे हैं ना, इसलिए। भाई उनको भी नहीं रोका भाई, क्यों घर के हमसे टोल लेते नहीं हैं। चलो भाई बड़ी देर बाद मिला तो है, 95 पावर में नहीं, पावर वाला है नहीं, नॉर्मल कर दो, 700 कर दो, 700। चलो थोड़ी देर बाद मिला है भाई, अरे रिफ्यूल मांग रही है। हाँ क्यू आर यही है नहीं, चले। चलो भाई हमारे राइडर साहब भी रिफ्यूल करवा रहे हैं। चलो कंटिन्यू रखते हैं राइड को,
भाई पावर वाला तो मिला नहीं, नॉर्मली मिल गया, चलो ठीक है नॉर्मली अभी फ़िलहाल के लिए तो भाई सही है, नहीं मिले इससे अच्छा तो मिलना ही सही है ना। तो भाई फ्लैग ऑन के लिए बाइक को रोका गया था, फ्लैग लग चुका है अब तो, और भी क्यूट लग रही है हमारी रानी। चलते हुए ये है हमारी R15 जो साथ चल रही है। चलो भाई अब हम हो रहे नहीं है यहाँ से ब्रिज के ऊपर, आराम से चलना पड़ेगा, बहुत खराब ब्रिज है। एक तो शॉर्ट बहुत है, मतलब यार एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओ भाई बेकार, सिवाना सिटी के अंदर एंटर हो चुके हैं यहाँ से, ये सिवाना की सिटी स्टार्ट है यहाँ से। हल्की हल्की बारिश भी है, एवरी लाइफ मोमेंट एंजॉय, एंजॉय दिस नेचर, क्या गजब का नेचर है। अब ज्यादा दूर नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कश्मीर के छोटे से विलेज में आ गया हूँ। चलो भाई ऑफ रोडिंग पैच हमारा स्टार्ट हो गया है। हल्देश्वर भाई दोस्तों जावे सीधो ठेर ऊपर ले जाऊं बाइक वही जो रूट देखो, ये रास्ता तो कोई बीच में सीधो है एकदम, ठीक है धन्यवाद। को भी डर लगता है भाई, पहले ऐसा था पैदल आना पड़ता था, मतलब उधर से एक रास्ता अलग जा रहा है वहाँ पैदल जाना पड़ता है, बट ये अब तैयार हो चुका है, अब हम बाइक्स वगैरह ऊपर ले जा सकते हैं, वरना तो 7-8-9 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, बट अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओहो भाई 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 बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे किसी हाई पासिस पर चढ़ा रहे हैं बाइक। लद्दाख से कम थोड़ी है ये, इसी का तो एंजॉय है।
क्या हो गया? वाह देखिए भैया लोकेशन, क्या एक गजब लोकेशन है। लोकेशन लोकेशन व्यू आराम से। यह है ऑफ रोडिंग यहाँ पे। यहाँ पे भाई एक्सपीरियंस राइडर चाहिए। नॉर्मली जो फर्स्ट टाइम आते हैं वो तो भाई देखो अब कैमरे में इतना कुछ लग नहीं रहा होगा कि भाई कितनी चढ़ाई है कितनी नहीं है, बट बहुत मुश्किल चढ़ाई है ये वाली। भाई बहुत हाई हो भाई, व्हील स्पिन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है व्हील स्पिन। हर हर महादेव। बस भैया ज़्यादा रिस्क मत उठो, आराम से चलो। भाई व्हील स्पिन इतना ज़्यादा हो रहा है, सब पूरी कंक्रीट ही है, ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा है। बस बस मुकेश भैया आराम 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 से आराम से आराम से। रुको व्हील स्पिन घणो रेस में ज्यादा जोर दो मती, कम कम में आराम आराम उचाड़ो, ज्यादा रोर दो ला व्हील स्पिन वेला आराम, ये ने आराम ही पार करना। रुक जाओ भैया बहुत ज्यादा हो रही है। आओ आओ मैं आराम आराम से। ओ भाई व्हील स्पिन इतना ही ज्यादा हो रहा है, क्या बताएं अब आपको। ओ ओ भाई 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 जो एक्सपीरियंस राइडर हो वो ही यहाँ पर आए, बाकी रिस्क हो सकता है बहुत ज़्यादा। जिसमें एक्सपीरियंस हो जो पहाड़ों पे पहले घूम चुके हो वो ही आओ, और कोई मतलब। किकर रस्तो गड़ो है गजब है, व्यू गजब व्यू है। ये देखिए ये देखिए
लद्दाख कश्मीर से कम नहीं है भाई जगह। ये देखिए, ये रही हमारी बाइक, ये रही मगज भैया की बाइक, ये इनका यूट्यूब चैनल है द RJ04 राइड, सब्सक्राइब करना। देख लीजिए हमारी दोनों रानियों को लेकर यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये मेरा चैनल है राइडर मनु 999, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी देख लीजिए दोनों बाइकें कितनी प्यारी लग रही है, सुपर व्यू है, सुपर व्यू, गजब का व्यू है, गजब का, माँ कसम मज़ा आ गया। भाई 100 cc यहाँ पर 100% दम तोड़ देगी, 100 cc एंड 125। मुझे नहीं लगता कि वो बाइकें यहाँ पे पहुँच पाएगी, मतलब यार बहुत बड़ा मुश्किल है। मिनिमम 150 cc होना, उसी को आप लेके आओ यहाँ पर। बाकी भाई खाई देख लीजिए, बहुत गहरी है यहाँ पास में। मैं बोल रहा हूँ सेम लद्दाख की याद दिला रही है ये ऑफ रोडिंग पैच। ये देखिए खाई, देखिए आप इसके अंदर, दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं परफेक्टली आपको, ये देखिए ये बहुत मतलब गहरी खाई है, आदमी गया तो समझ लो गया। ये पैच बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्यों मैं ऑफ रोडिंग में आने का भाई ड्रीम है मेरा, ऑफ रोडिंग ही करनी है। बड़े आराम से चलानी पड़ती है यहाँ पे बाइक। वो भी ऑफ रोड का एक्सपीरियंस हो तो। बाकी भाई इतना स्ट्रगल बाइक कर रही है ना, क्या ही बताऊँ आपको कितना स्ट्रगल हो रहा है यहाँ पे भाई। इस बाइक के लिए तो बहुत तगड़ा स्ट्रगल है ये, एक स्ट्रगल लाइफ है बाइक के लिए भाई। बड़े बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है बाइक। सेकंड से बाहर तो निकालो हिम्मत आप, इसने सेकंड में बड़े आराम से चलती है। चलो कुछ पैच तो सही हुआ, इतनी देर बस चढ़ाई ही थी, बट अभी पैच थोड़ा बहुत सही है। अब वापस वो भाई बहुत चढ़ाई है, ऑफ रोड मतलब ये सड़क बनाई गई है ना, कंक्रीट बहुत ज़्यादा है ना यहाँ पे, मिट्टी बहुत ज़्यादा है, उस वजह से मतलब स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो रहा है बाइक का। ओ हो 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 भाई भाई ये तो कंफर्म ही था भाई, बाइक गिर गई है मेरी, बहुत ही बुरी गिर गई है। ओ भाई बाइक गिर गई, अब ये होती है ऑफ रोडिंग, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। चलो भाई स्टैंड कर लेते हैं बाइक को, मुकेश भैया को बाइक निकलवा के आते हैं, रुक जाओ अभी हो। इतना स्ट्रगल पहले कभी हुआ ही नहीं है, हालत ख़राब हो गई है इसी में,
क्रैश गार्ड लगा हुआ होता तो बहुत अच्छा होता, बट नुकसान तो कोई नहीं हुआ है, देख लेते हैं एक बार। वाली साइड रखो, वाली साइड। चलो भाई, ब्रेक लीवर टूट चुका है। भाई ब्रेक लीवर टूट चुका है, फिलहाल चलना पड़ेगा यहाँ से। बड़ा मुश्किल से चढ़ रहा है, वेट करना पड़ेगा अब तो।